Ramam Bole. चाहे कुछ भी हो जाए, महाकुंभ के राज को मैं सिमर तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। हाँ माँ बोलो। मोहिनी, खुशी को होश आ गया है। तो उससे क्या होगा? खुशी ने तो मेरा खेल पहले ही बिगाड़ दिया। अब वो जिए या मरे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मुझे सिमर की खबर बताते रहिए। सिमर तो यहाँ से 5 घंटे पहले ही महाकुंभ के लिए निकल गई है और दिल्ली से नासिक पहुंचने में उसे 3 घंटे ही लगेंगे। किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाली होगी। जानती थी मैं, शांत नहीं बैठने वाली है ये सिमर। महाकुंभ में मीरा अंदरूने आ रही है, उसके यहाँ पहुंचते ही मैं उसका अंत कर दूंगी। माँ, आपको मैंने जो जो कहा था बिल्कुल वैसा ही करना, कुछ मत बिगाड़ना, समझी? हाँ हाँ, मुझे सब अच्छी तरह से याद है। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। रखती हूँ। हेलो। हेलो सिमर बेटा, तुम सही सलामत नासिक पहुंच गई ना? माता जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ, अब तक पहुंची नहीं। ओह अच्छा। माता जी क्या बात है, कुछ हुआ क्या? आप ऐसे? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे हौसले और अपनी आस्था पर मुझे पूरा विश्वास है, पर फिर भी थोड़ा मन घबरा रहा है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अकेले वहां भेज तो दिया, अब सोचती हूँ कि इतने विशाल महाकुंभ में तुम मोहिनी के अंत के रास्ते तक कैसे पहुंचोगी। सच कहूं तो ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है। लेकिन माता जी मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे माता रानी ने अब तक हमारा साथ दिया है, हर कदम पर, हर मोड़ पर, यहां तक उन्होंने ही तो हमें राह दिखाई है, आगे भी वो मेरा साथ देती रहेंगी। आप परेशान मत होइए माता जी। तुम सही कह रही हो बेटा, पर हमेशा सावधान और चौकन्ना रहना। जय माता दी। जय माता दी। माता जी क्या कहा सिमर? सिमर ठीक है, रास्ते में। चिंता मत कीजिए, खुशी अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। निर्मला देवी जी, आपने जैसा कहा था, हमने खुशी को यहीं शिफ्ट कर दिया है, उन्हें सारी मेडिकल सुविधाएं यहीं मिलती रहेगी। बल्कि खुशी और प्रेम की देखभाल के लिए हमने एक नर्स का इंतजाम भी कर दिया है। डॉक्टर साहब, आपने हमारी बात का मान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश थी, आप तो जानते हैं इस वक्त हमारे घर में क्या हो रहा है, हम हर पल जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे में उस नर्स का यहां हमारे घर में रहना नहीं। डॉक्टर साहब, हम बेवजह किसी मासूम की जिंदगी को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहते। माता जी सही कह रही है डॉक्टर साहब, और मेरी बेटी है ना जानवी, ये देखभाल कर लेगी। प्रेम और खुशी को हम सब मिलके संभाल लेंगे। जी डॉक्टर, हम उन दोनों का ख्याल रख लेंगे। ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। जरूर, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुजाता बहू जी, इन दोनों डायनों का कोई भरोसा नहीं,
ये कभी भी कोई भी चाल चल सकती है। कहने का मतलब ये, हमें प्रेम और खुशी की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी और रक्षा करनी होगी। एक काम करो, जब तक सिमर महाकुंभ से वापस नहीं आ जाती, तुम और राजेंद्र बेटा प्रेम और खुशी के साथ मेरे कमरे में ही रहो जी। और बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी आवाज आए, पर तुम लोग दरवाजा मत खोलना। और हाँ, संजना को भी अपने साथ रख लेना। आप क्या कहती हैं माता जी? हम लोग वहां अंदर और आप बाहर, ये कैसे हो सकता? राजेंद्र बेटा, हमारी फिक्र मत करो, बात की गंभीरता को समझो। सिमर महाकुंभ में सुनंदा और मोहिनी के अंत का राज जानने गई है। वो दोनों डायने पूरी ताकत लगा देंगी सिमर को रोकने के लिए और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं मानती हूं माता रानी हमारे साथ है, पर बेटा हमें भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, खुद को बचाने की पूरी कोशिश करनी ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उस मोहिनी ने हमेशा हमारे परिवार के आपसी प्यार का फायदा उठाकर हमें अपनी बात मानने पर मजबूर किया है। मैं नहीं चाहती इस बार हमारी कोई भी कमजोरी उसके हाथ लगे। इसके लिए तुम्हें और सुजाता बहू को प्रेम, खुशी और संजना के साथ कमरे में रहना होगा, और जब तक खतरा टल नहीं जाता तुम लोग बाहर नहीं आओगे। जी माता जी, जैसा आप कहें। आई जानवी बेटा, वो संजना को कमरे से लेकर आओ। जी माता जी। उमा बहू, करुणा बहू जी, इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम कमरे में ही कर दो, ताकि इन्हें बाहर आने की कम से कम जरूरत पड़े। जी माता जी, चलो। हे माता रानी, आपसे प्रार्थना है कि सिमर को जल्दी से जल्दी सफलता मिले, ताकि मेरा ये अधूरा परिवार फिर से पूरा हो सके। माता जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। जय माता दी। जय माता दी। महाकुंभ जाने का यही एक रास्ता है, सिमर जरूर यहीं से आ रही होगी, पर मैं उसे यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। नाम लिया नहीं कि आ गई, लगता है मरने की बहुत ज्यादा ही जल्दी है इसे। बेटा, अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक सिमर महाकुंभ से वापस नहीं लौट आती। लगता है बुढ़िया तूने अपने बाल धूप में ही सफेद किए, तजुर्बा नाम की तो कोई चीज ही नजर नहीं आती। अभी भी लगता है तुझे कि सिमर महाकुंभ जाकर वापस लौट आएगी?
वो मोहिनी के खिलाफ खड़ी हुई है, एक टायन के खिलाफ। महाकुंभ से लौटना तो दूर, अगर वो वहां पहुंच भी जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए तो समझा रही हूं, उसकी राह देखना छोड़ दे, क्योंकि सिमर महाकुंभ नहीं अपने मौत के मुंह में गई है। मोहिनी ने मुझे देखकर भी आराम से जाने दिया, रोका तक नहीं। जरूर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम सामने देखिए ना, सिमर सिमर देखो मैं यहां हूं। सिमर मैडम, ये कौन है, क्या है, हर तरफ क्यों दिखाई दे रही है मैडम ये? मैं जानती हूं मोहिनी, तुम्ही ने ये भ्रम जाल बुना है ताकि मैं महाकुंभ तक ना पहुंच पाऊं। लेकिन नहीं, इस बार तुम्हारे बुने हर जाल को मैं तोड़ दूंगी। भैया आप आगे चलिए, जल्दी आगे चलिए। पर मैडम आप देख रही ना सामने वो आगे कोई नहीं है भैया, ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। आप प्लीज आगे गाड़ी चलाइए। लेकिन मैडम। भैया प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, आगे गाड़ी चलाइए, कुछ नहीं होगा, आप चलिए आगे। पर मैडम वो गाड़ी के नीचे आ गई तो? अरे आप खामखा घबराते। जय माता दी। अब जल्दी कीजिए, जल्दी गाड़ी चलाइए। मैडम ये क्या था, मुझे तो मेरी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा है। भैया प्लीज आप बस मेरी बातों पर विश्वास रखिएगा, आपको किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जब तक हमारी गाड़ी चलती रहेगी तब तक हम लोग सुरक्षित रहेंगे। आप महाकुंभ से पहले इस गाड़ी को मत रोकिएगा, प्लीज चलाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, हमारा साथ देने के लिए। जय माता दी। रक्षा कर लोगे तुम सब लोग अपनी, और वो भी ऐसे? तुम लोग चाहे कोई भी प्लान बना लो, लेकिन तुम्हारे हर प्लान को मैं फेल कर दूंगी।
परी बहू, उस मोहिनी के काले जादू की असर की वजह से तुम अपने परिवार को चोट पहुंचाना चाहती हो, पर मैं चाह कर भी तुम्हें सजा नहीं दे सकती और ना ही तुम्हें इस तरह तकलीफ में देख सकती हूँ। तो फिर मान लेना कि तुम सब लोग मेरे सामने बेबस और लाचार हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं अपनी ममता के आगे बेबस और लाचार हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर हां, मैं तुम्हें रोक जरूर सकती हूं। कर रही है बुढ़िया, रुक, छोड़ो मुझे। जय माता दी। जय माता दी। ये माता रानी का पवित्र सिंदूर है। ये पवित्र सिंदूर तुम्हारे अंदर के काले जादू को हमारे खिलाफ लड़ने नहीं देगा। हटाओ इस सिंदूर को, अभी के अभी हटाओ। माता जी, कौन हो सकता है दरवाजे पे? भैया, और कितनी देर में महाकुंभ पहुंचेंगे? कब तक पहुंचेंगे हम लोग? बस 5 मिनट लगेगा मैडम, हम घाट तक तो पहुंच गए। क्या हुआ भैया? मैंने बोला था ना गाड़ी मत रोकिएगा, क्या हुआ? मैंने नहीं रोकी मैडम, ये तो अपने आप रुक गए मैडम। खुद ही रुक गई? पर प्रॉब्लम क्या है, जरा जरा चेक कीजिए। पेट्रोल भी फूल है मैडम, मैं टायर चेक कर लेता हूँ। क्या हो गया इसे? क्यों? तू सिमर को महाकुंभ लेकर जा रहा था ना? हाँ? नहीं, तू मदद करेगा सिमर की? मोहिनी छोड़ो इसे, मोहिनी छोड़ो इसे। इतनी आसानी से कैसे? ये मदद कर रहा था ना तुम्हारी सिमर, सजा तो इसे मिलेगी। मोहिनी तुम अरे रुकिए, मेरी मदद कीजिए। सुन क्यों नहीं रहे आप लोग? मेरी मदद कीजिए, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे?
अरे हेलो, कोई फायदा नहीं, ना ये तुम्हें सुन सकते ना देख सकते, क्योंकि तुम लोग मेरे माया जाल में फंसे हुए हो। कहाँ चली गई? महाकुंभ नहीं पहुंच पाऊंगी, मोहिनी से बचने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, यहां से जंगल का रास्ता नजर आ रहा है, इस पे चली जाती हूँ। महाकुंभ का रास्ता तो सीधा है, फिर सिमर जंगल में क्यों जा रही है? अच्छा, मेरा काम आसान हो गया। जरूर दरवाजे के बाहर मोहिनी या सुनंदा होगी, जो अंदर रहकर तुम सबको खत्म कर देगी। अच्छा है, तुम सबका यही हाल होना चाहिए। बात से तो लग रहा है बाहर बहुत सारे लोग हैं। अरे क्यों अपने घर का दरवाजा तुड़वाने पर तुले हुए, खोल भी दो। वैसे भी बाहर जो कोई भी है वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाएगा। बात एक ही है लेकिन नुकसान दुगना। आप लोग सब मंदिर परिसर में चलिए, मैं दरवाजा खोलता हूं। नहीं अमर बेटा, मैं तुम्हें सलाह के लिए नहीं जाने दूंगी। माताजी बात को प्लीज समझिए, परिवार पे ये मुसीबत मेरी वजह से आई तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका सामना करूं। नहीं अमर, बाहर खतरा हो सकता है, बाहर कौन है और हमसे क्या चाहते हैं ये हमें नहीं पता। कहीं खुशी की तरह तुम पर भी किसी ने जानलेवा हमला कर लिया तो? नहीं अमर, तुम मत जाओ। देखिए प्लीज, आप लोगों को मेरी कसम, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कीजिए प्लीज। आओ बेटा आओ। अमर, अमर!
सिमर, इस घने से जंगल में तुम चाहे जहां छिप जाओ, लेकिन इस डायन की निगाहों से बच नहीं पाओगी। ये सब कौन है? ये मेरे साथी है। साथी मतलब डायने? हाँ, ये डायने है। अगर सुनंदा यहाँ है तो फिर मोहिनी। हे माता रानी, मेरे सिमर की रक्षा करना, सिमर की रक्षा करना। अब आएगा मजा। अमर बेटा, तुम भागकर मंदिर की तरफ आ जाओ बेटा। ऐसी भी क्या जल्दी है? बेटा, अरे अरे, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे दामाद जी हैं। क्या दामाद जी? आपको आपकी सासू माँ का स्वागत करना चाहिए और आप उनसे डरकर भाग रहे हैं? ये तो गलत बात है ना? हाँ? और तुम लोग जब देखो तब माता रानी की चौखट के पीछे छिप जाते हो। पर कोई बात नहीं, इस बार मैं इसका भी तोड़ लेकर आई। चाहिए दामाद जी, डायने तो किसी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती, पर इंसान तो हर जगह जा सकते हैं, है ना? आज मैं तुम सबके लिए पूरी बारात लेकर आई हूं ताकि तुम सबको स्वर्ग पहुंचा सकूं। तुम्हारी सिमर के पास? हाँ, मोहिनी सिमर को वही भेजने वाली है, या शायद अब तक भेज चुकी होगी। लगता है मोहिनी दूसरी ओर चली गई है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे दिमाग की बड़ी तारीफ करते हैं, स्मार्ट हो तुम, पर मुझे अब लग रहा है कि तुम्हें बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान है। क्या सोचा तुम, इस जंगल में घुस जाओगी तो मुझसे बच जाओगी तुम? मैं किसी से बचना नहीं चाहती और ना ही मुझे किसी से डर लग रहा है, बल्कि डर तो तुम रही। देखो ना, अपने अंत को करीब आता देख तुम इतना बौखला गई कि मुझे ढूंढने यहाँ तक आ गई। लेकिन तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे अंत का राज मैं किसी भी कीमत में जानकर ही रहूंगी। उस राज तक पहुंचने की ना तुम सिर्फ उम्मीद रख सकती हो, पर उस तक कभी पहुंच नहीं पाओगी, क्योंकि अंत मेरा नहीं तुम्हारा होगा। ये खेल मेरा है तो इसमें जीत भी मेरी ही होगी ना। मुझे मारना नामुमकिन है सिमर, मेरा अंत कभी नहीं होगा, और आज तक जो जो मुझसे टकराया है हर किसी ने अपनी जान गवाई है, और क्या पता इस बार तुम्हारी बारी। नहीं, आज मैं तुझे दिखाती हूं एक डायन की असली ताकत। क्या हुआ, बैग चाहिए ना? आओ आकर ले लो। क्या हुआ सिमर, इस बैग में मुझे रोकने का सामान लेकर आई हो ना, तो आओ आकर ले लो ये बैग। क्या हुआ सिमर, बहुत दर्द हो रहा है ना, पर क्या करूं, इस सब के अलावा तुमने मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा ना। पर चिंता मत करो, ये जो दर्द है ना ये कुछ ही देर के लिए, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफ से ना मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगी, लेकिन मुझे कैसे भी करके महाकुंभ पहुंचना है। हे माता रानी, मेरी मदद कीजिए, मुझे महाकुंभ तक जाने का रास्ता दिखाइए। जय भगवती देवी, जय भगवती देवी। अब देखा तुमने मुझसे टकराने का अंजाम, देखो ना क्या हालत कर दी मैंने तुम्हारी। मेरी आंखों में देखो सिमर, देखो तुम्हें तुम्हारी मौत नजर आएगी, देखो ना। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय सुमन सुख कपाल करे, जय सुमन सुख कपाल करे, देवी नमो वरदे, शर्मामी देवी तराती हरे। भगवती देवी नमो वरदे।
ये कहाँ चली गई? जी, समझदारी खत्म हो गई है क्या? यहाँ कौन बता रहा? नहीं, छुना मत, छुना मत किसी को। कोई नहीं जाएगा, बच्चों कोई मत जाना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ दो उन लोगों को, जब घर की औरतें बाहर आ गई हैं तो बेचारे मर्द खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। चलो, मंदिर की ये मुसीबत तो खत्म हुई, अब हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मुझे जल्दी से खोलिए, इन लोगों ने मुझे कब से बांध कर रखा है। परी, तुम्हें इतनी ताकतवर बनाया पर कोई फायदा नहीं। जब देखो तब कुर्सी में बंधी हुई मिलती हूं। रुक जाओ, आती हूं। भारद्वाज परिवार भी ना? चलो साफ करो इसे, साफ करो इसे। अब कहां भागोगी? जिस तरफ देख लो तुम्हारी मौत है, उस तरफ गई तो खाई में गिर के मरोगी।
और इस तरफ आई तो यहाँ तो मैं हूँ ही, तुम्हें जान से मारने के लिए बेताब। तो बताइए समर जी, क्या करना चाहेंगी आप? कहते हैं महाकुंभ में आने से लोगों के सभी सुख दुख का निवारण हो जाता है, और मैं अपने परिवार पर आई मुसीबत का हल निकालने यहां आई, लेकिन आज आपके और मेरे बीच ये डायन खड़ी है, इसलिए मैं खुद को आपके हवाले करती हूं। इस लड़ाई में मेरी जीत होगी या हार, ये अब आपके ऊपर है। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन इस डायन के हाथों मरना कभी मंजूर नहीं। जय माता दी। सिमर! ओम आत्मा वाईत्मेक एवाग्र आसीत। मुझे हराने आई थी? क्यों, क्या हुआ? इस बार तुम्हारी ये माता रानी भी तुम्हें बचा नहीं पाई सिमर। मैंने जो कहा था वही हुआ, ये खेल मेरा है तो इसमें जीत भी मेरी ही होगी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.